यूपी विधानसभा चुनाव अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें अयोध्या विधानसभा के 5 प्रत्याशियों का भी नाम सूची में जारी किया है, जिसमें अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज आरती तिवारी, मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ और रुदौली से रामचंद्र यादव एक बार दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में जब अयोध्या प्रत्याशियों के नाम घोषणा हुई तो पार्टी कार्यालय पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। जिले के भाजपा प्रत्याशियों को बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी, तो वहीं उसके बाद भाजपा प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंचे मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ और गोसाईगंज प्रत्याशी आरती तिवारी ने अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी में हनुमत लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद भाजपा के गोसाईगंज से निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खम्बू की पत्नी आरती तिवारी ने विरोधियों को दिया संदेश। उन्होंने कहा, पार्टी ने टिकट देकर करारा जवाब दिया है। वहीं अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता और मिल्कीपुर प्रत्याशी गोरखनाथ ने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह को हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने मुझे सेवा के रूप में पुनः एक बार फिर से अवसर दिया है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मौका दिया, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं अयोध्या के सेवक के रूप में मुझे दोबारा सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह साहब, माननीय जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को प्रदेश की केंद्रीय हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा के लिए पुनः एक बार इस अयोध्या विधानसभा के अवसर दिया। और निश्चित रूप से मेरे मन में कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि यदि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे काम अभी अधूरे थे, राम मंदिर भी बनना है, अयोध्या का भी जो विकास था, कोरोना काल की वजह से जो थोड़ा दिक्कतें आई थी 2.5 वर्ष की, तो निश्चित रूप से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह साहब का, माननीय जेपी नड्डा साहब का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय चंद्र देव सिंह जी का, माननीय सुनील बंसल जी का, कि उन सब लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और यहाँ की महान जनता अयोध्या विधानसभा के पूज्य संत महंत और यहाँ के अयोध्यावासी, इन सब लोगों ने पिछली बार भी मुझे प्रचंड बहुमत के साथ जिताया था, आशीर्वाद दिया था और मुझे लगता है कि इसके बाद तो अयोध्या में इतना काम हुआ है, अयोध्या का विकास, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है और अयोध्या उसका पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ पर्यटन के रूप में अयोध्या विश्व स्तर पर चमकने जा रही, माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री की, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिनिधित्व करने का, सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में अयोध्या पूरे विश्व को आलोकित करेगी और विश्व में अपना विश्व स्थान बनाएगी। मुद्दा क्या रहेगा आपका? हमारा मुद्दा तो विकास का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बने की मैंने भी कहा, यही हमारा मोटो था, तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अयोध्या का सतत विकास, अयोध्या का जो पौराणिक महत्व है, इसके साथ नमन करूँ। आपका टिकट फाइनल हुआ है और आप आज भगवान के पास शरण आए हैं? जी जी सर, प्रथम मैं हनुमान जी महाराज, कनक जी महाराज की प्रणाम करती हूँ और पार्टी के शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें इस काबिल समझे, और विरोधियों से ये कहना चाहूँगी कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हमें टिकट देकर करारा जवाब दे दिया है जी, और ये जवाब उनको जनता दे देगी। अब आपकी इस बार चुनाव में, चूंकि विधायक जी इस समय जेल में है और आप सड़क पर नई चुनौतियाँ हैं, इसे कैसे निपटेंगे? जी बिल्कुल निपटेंगे, हम नहीं निपटेंगे, हमारी जनता निपटेगी, पूरी गोसाईगंज जिंदाबाद। आपके प्रति है, बहुत लोग आपके और विधायक जी की फोटो को लेकर के लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, आज टिकट भी फाइनल हुआ, ये जनता का प्रेम है जो दिख रहा है और ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टिकट फाइनल होने के बाद हनुमान जी से क्या आग्रह किया, क्या मांगा? जी बिल्कुल, विरोधियों को जवाब देने के लिए, अपनी जीत के लिए और अपने पति की रिहाई के लिए।
जताया है, क्या कहेंगे पार्टी को? मैं सबसे पहले अपने मिल्कीपुर की जनता को, वहाँ के ईमानदार कर्मठ एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक संदेशा भेजा कि पुनः गोरखनाथ बाबा को मिल्कीपुर का प्रत्याशी बनाया जाए, और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर पर भरोसा जताया है और मिल्कीपुर से फिर से भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी बनकर बना हूँ। मैं अपने मिल्कीपुर की तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करता हूँ कि फिर से हम लोग एक बड़े वोटों के अंतर के साथ जीतेंगे। ऐसा क्या बचा है जो अगली बार जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो जनता को वो सारी चीजें देंगे, क्या उपलब्धियां होंगी इस बार? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति पे खड़े व्यक्ति का कैसे उद्धार हो, कैसे उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसका हम लोगों ने 70% इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो बचे सपने हैं उन गरीबों के, उन सपनों को पूरा करना है और देश को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को योगी जी के राज में भयमुक्त किया है, लोगों का विश्वास योगी जी पर है, ये विश्वास इसी तरीके से बना रहे, ऐसी मैं अपनी जनता जनार्दन से बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ। बाबा भैया आपकी बात। टिकट मिलने के बाद सर्वप्रथम महाबली का दरबार है, पूरे विश्व के लोग आते हैं, तो तुरंत जैसे टिकट मिला हम लोग सीधे महाबली के दरबार में आए, कुछ मांगा नहीं, बस आशीर्वाद यही कहा कि जो आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर बना है यही आशीर्वाद निरंतर हमारे ऊपर बना रहे, यही आशीर्वाद मैंने मांगा, यही जीत का मूल मंत्र है। इस बार फिर यानी कि आप मानने किस आधार पे, जब क्षेत्रीय जनता पूछे किस आधार पे आपको वोट दें और क्यों जिताएं, दूसरी पार्टी की अलग अलग चीजें, बहुत 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 सारे मुद्दे हैं। पूरे प्रदेश को जिस तरीके से भयमुक्त रखा है, लड़ाई झगड़ा और छोटे मोटे दंगों जिस तरीके से होते हुए इस शासन में नहीं हुई है, और गरीबों को जिस तरीके से आवास, राशन, पेंशन। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी समर में कूद गए। सभी अपना सर्वस्व दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, कहीं से कोई चूक न होने पाए। बड़े से बड़े नेता कार्यकर्ता के बीच अपनी अपनी पार्टियां एवं पूर्व की सरकारों की नीतियों से जनता को रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। बीओजी पांचवें चरण की तारीख नजदीक आने के साथ गोंडा जनपद में भी चुनावी हलचल बहुत ही तेज हो गई है। भाजपा, सपा, बसपा एवं कांग्रेस सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं भी सक्रिय हो गए हैं। अन्य दलों के साथ गोंडा जनपद के मनकापुर सुरक्षित सीट से बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर राजिक उस्मानी के नेतृत्व में प्रत्याशी श्याम नारायण कोरी को जिताने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से लग गए हैं। उसी क्रम में राजिक उस्मानी के आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मवीर अशोक ने बसपा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सिखाया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बसपा को दलित के साथ साथ सर्व समाज का साथ प्राप्त है, बसपा भारी जीत दर्ज करेगी और बहन जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी। वहीं बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर राजिक उस्मानी ने कहा मनकापुर सुरक्षित सीट से श्याम नारायण कोरी की जीत होगी। बसपा को मुसलमानों का समर्थन के साथ साथ सभी जातियों का वोट प्राप्त हो रहा है। बसपा की सरकार में अधिकारी जनता के नौकर थे, लेकिन अब जनता अधिकारियों का नौकर है। बसपा ही सरकार आने पर जनता को पूर्ण सम्मान प्राप्त होगा। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसके बारे में बताएं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे देवी पाटन मंडल, हैजाबाद मंडल और बरेली मंडल में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, पदाधिकारियों को सजग करने के लिए भेजा है और मैं उस काम में लगा हुआ हूँ पूरे ईमानदारी के साथ, और उसका असर भी हो रहा है। आज हम यहाँ गोंडा जिले की मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर श्री रजिक उस्मानी जी के यहाँ पर अभी हमने अपने पार्टी के वर्कर्स को कुछ उसके बारे में बताया, और हमारा काम सिर्फ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का है। और इस समय जो प्रदेश के हालात बन रहे हैं उससे निश्चित लग रहा है और चौंकाने वाले
परिणाम आएंगे चुनाव के बाद, इस प्रदेश में पांचवी बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी का जो पुराना रवैया है वो चल नहीं पाएगा, और ये लालच वाला भी मुद्दा नहीं चल पाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें इनको पता चल जाएगा किस तरह से वोटर्स को हम अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ समाज को जगाने में सफल हो रहे हैं। वे बता रहे हैं कि बीजेपी का आगामी क्या रणनीति है और सपा वालों की क्या रणनीति है, हमें उनसे कैसे बचना है और कैसे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ पर रजक उस्मानी जी बैठे हैं, इन्होंने तो पूरा काम अपना कर दिया है। चुनाव तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ रहे हैं श्याम नारायण कोरी जी की जगह, ये उनको पूरी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है, कार्यकर्ताओं में जोश भी है और होश भी है। मैं जानता हूं कभी कभी जोश के साथ होश नहीं रहता तो उसका दुश्मन फायदा उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर सब सजग हैं, होश भी है और जोश भी है, इसलिए मनकापुर को हम जीतेंगे। दलित वोट जो है वो महान मायावती जी की पार्टी के साथ एकदम साथ है, जुड़ा हुआ है। आप देवीपाटन मंडल के संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, देवीपाटन मंडल के मुस्लिम के बड़े चेहरे हैं, तो क्या आपको लगता है? ये पहले तो मैं बताऊं, मैं किसी समाज का चेहरा नहीं हूँ, मैं सर्व समाज का चेहरा हूँ। मैंने तमाम मंदिर भी बनवाया तो तमाम मस्जिद भी बनवाया, तमाम कालिक स्थान बनवाया, अनगिनत कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ कराई, तो मैं एक समाज का चेहरा नहीं हूँ। और आंकड़ों में हम कभी पीछे नहीं थे, 2017 में जब बीजेपी की लहर थी तब भी हम समाजवादी पार्टी से ज़्यादा वोट पाए थे, हम यहाँ 45,000 वोट पाए थे। हमारा समाज कुछ इधर उधर गया था, इस बार हम पूरी तरह से 100% के 100%, मेरा समाज, दलित समाज जो पहले से ही जुड़ा है, बाकी पिछड़ा समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, हमारे साथ यादव समाज के लोग भी काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, साहू समाज के लोग, अरविंद साहू भैया मेरे साथ खड़े हैं, कोई ठाकुर समाज के लोग, मतलब ये सर्व समाज की लड़ाई है। उनको उम्मीद है कि बहन जी की सरकार में अगर कोई गरीब आदमी, वो किसी समाज का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, साहू हो, अगर फटे हाल में थाने जाता है तो दरोगा खड़ा होकर एक गिलास पानी पिलाता था। ये बहुजन समाज पार्टी की पहचान थी, बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी, ये सरकार की पहचान थी। वही गरीब सर्व समाज के लोग एक बार फिर पुनः बहुजन समाज पार्टी को पांचवी बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हैं, कि उनको थाने में सम्मान मिले, अस्पताल में दवा मुझे फ्री मिले, SDM क्या है, गिलास पानी में, और वो लोग मालिक हो गए। यही बदलाव बसपा सरकार में होता है और यही फिर होगा। गोंडा जनपद के वजीरगंज नौबस्ता प्रयागपुर में डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा अपने पिता की जन्मदिवस के अवसर पर रामेश्वरनाथ धाम मंदिर में 5 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया। देखिए साकेत न्यूज चैनल के संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव के साथ खास बातचीत में दीपेंद्र सिन्हा ने क्या कहा, आइए देखें इस रिपोर्ट में। मैं हूँ सुबोध श्रीवास्तव, आप देखे साकेत चैनल, मैं आपको ले चलता हूँ। ये गुना जनपद है और वजीरगंज नौबस्ता क्षेत्र है, और मैं आपको बता दूं ये रामेश्वर धाम है, और आज जो है यहाँ पर सिन्हा जी का, रामेश्वरनाथ सिन्हा जी हैं, इनका जन्मदिवस है। और ऐसे में ये जो कैंपस है यहाँ पर, देखिए अभी किस तरह से यहाँ पर लोगों का एक हुजूम हुआ करता था, और ओमिक्रोन के आने से यहाँ पर जो है जिस तरह से ओमिक्रोन आया है और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर लोगों ने मास्क का भी प्रयोग किया है और सैनिटाइज भी किया गया है। और ऐसे में यहाँ पर जो हवन पूजन का भी कार्यक्रम किया गया बहुत ही सुंदरता से किया गया, और यहाँ पर बता दें इस कैंपस में जिस तरह से मेले का भी आयोजन किया गया, मेला विगत वर्ष क्यों नहीं हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उपचुनाव था, उपचुनाव में जो है आचार संहिता का उल्लंघन होता है इसलिए नहीं हो पाया था। और ऐसे में दीपेंद्र सिन्हा जी हैं और मैं इनसे पूछूंगा यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। दीपेंद्र सिन्हा जी, सबसे पहले आपका साकेत जिले में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और आप बताएं किस तरह कार्यक्रम किया आपने? नमस्कार, जैसा कि आप शायद अवगत ही होंगे कि विगत वर्षों में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला धूमधाम से लगता था रामेश्वर धाम में, बाबूजी के जन्मदिवस से 28 जनवरी से, जिसमें तरह तरह के कैंप लगते थे, विद्युत का, मेडिकल का, और रंगारंग कार्यक्रम होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाती थी।
तो वो सब कार्यक्रम कोरोना को देखते हुए थोड़ा स्थगित किया गया है, लेकिन उनकी स्मृति में एक हवन का कार्यक्रम हुआ और साथ में ही कुछ कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक करने के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है। अच्छा, जिसे अभी आपने बताया, जो बताया आपने, काम बताया कार्य यहाँ पर, क्या ये विगत वर्ष हुआ था, नहीं हुआ था, या पहली वर्ष कर रहे हैं आप? विगत वर्षों में ज्यादा फोकस मेडिकल कैंप और कृषि कैंप इन सब पे था, इस बार पहली बार ये बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग औद्योगिक। अच्छा, अगर हम ये बताएंगे, जैसे कोविड का है, कोविड ओमिक्रॉन का जिस तरह से आपने पालन की बात की है, तो हमें तो लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से आपने पालन कराया होगा और सभी को मास्क का वितरण सैनिटाइज किया होगा। हाँ, यहाँ पर इसी कोविड को देखते हुए आप अभी कैंप में जाएंगे तो देखेंगे कि सारे बच्चे जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, हमारा ये उद्देश्य है फाउंडेशन का कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़े इस एरिया में और बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेंड हो जाएं, लेकिन साथ में ये जो कंस्ट्रेंट है कोविड का, इसकी वजह से सब बच्चे मास्क पहन के बैठे हुए हैं और उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन साथ में ही उनको इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग से, और अगर जब कितने दिन की ट्रेनिंग है और इससे क्या लाभ होगा इनको? तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग है और इसमें ये जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के बारे में जानकारी दी जाएगी, सोल्डरिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी, आईसी के बारे में बताया जाएगा, कैसे कंपोनेंट जोड़े जाते हैं, जो अलग अलग तकनीक है। ट्रेनिंग मजबूर होंगे तो इसमें आपका क्या योगदान होगा? तो हम इनको रेफर कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट के जो लोग हैं हम उनको इनका रिज्यूमे भेज सकते हैं, और इसमें जैसे आपने बोला सभी वर्गों के लोग हैं, सभी धर्मों में, ये बिल्कुल समता से ये काम हो रहा है, इसमें ना तो ऊंच नीच भेदभाव का कोई भाव है, ना धर्म का कोई भाव है। वैसे ये मंदिर पर कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कैंप में कहीं सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं, और उनको जहां जरूरत पड़ेगी हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी इसकी बहुत आवश्यकता होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आगे के दिनों में काफी आवश्यकता होगी, तो उसमें ये बच्चे रेडी रहेंगे कि वहां पे ये काम कर सकें। संभाल ही खड़ा होता है, जिस तरह से आपने इतना बड़ा कार्य किया और आपको थोड़ा खल तो रहा होगा, जिस तरह से कोविड ओमिक्रोन ये सब आ गया है, तो ऐसे में सीमित दायरे में लोग आ गए, और आप चुनाव का माहौल पिछली बार था, तो ऐसे में भी आप बैक हो गए, तो आप जो इस बार जो है कार्यक्रम बहुत ही सीमित दायरे में हुआ, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी जरूर। हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन साथ में जीवन तो चलना ही चाहिए और आगे का भविष्य के बारे में भी सोचना होता है, तो वो देखते हुए कुछ कार्य जो रचनात्मक हो सकते हैं वो करना है। जैसे आप सही बोल रहे हैं यहां कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, और यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि लोग ये सब क्षमता पर, परिश्रम पर ध्यान दें, भेदभाव को, जो रामेश्वर धाम है हमारा मंदिर, उसकी भावना यही है कि समता, सद्भावना और साथ में परिश्रम की वैल्यू, कि परिश्रम को से आगे बढ़ें, अपना हुनर बढ़ाएं, स्किल बढ़ाएं और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप दीपेंद्र जी थे, और अब मैं गांव के ही लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष रखा और बाखूबी से इन्होंने समझाया और बताया गांव के हित के लिए, समाज के हित के लिए, यहाँ से लोगों से जिस तरह से इन्होंने बताया है, और एक बहुत अच्छा मैसेज एवं संदेश यहाँ से जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक दो लोग और खड़े हुए, जिस तरह से आपके यहाँ क्षेत्र में और यहाँ पर इन्होंने प्लान लगाने का किया है, और इसमें क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? ये इतनी बड़ी सोच गाँव के लोगों के बीच में कोई कर रहा है, इस सोच के साथ कि हमारे गरीब बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम तो इससे थोड़ा दूर गांव है, गांव सोनबरसा पड़ता है, वहाँ के हैं। हमारी भैया से मुलाकात है। प्रभाव बताइए। हम तो यह नौबरसा के हैं। इससे लाभ मिला ना आपको? हमें बहुत लाभ मिलता है। आप बताइए। बहुत लाभ है। देखिए, हम आपको बताएंगे, डॉक्टर दीपेंद्र जी हैं और विदेश में रहते हैं, और विदेश में रह करके ये इनका गृह जनपद है, यानी यहाँ के रहने वाले हैं, और वहाँ रहने के बावजूद भी यहाँ आ करके यहाँ के गांव वालों को एक उपहार के तौर पर, एक तोहफा के तौर पर यहाँ पर रोजगार देने का कार्य किया। बहुत ही धन्यवाद। मैं सुबोध श्रीवास्तव, साकेत चल, अयोध्या से।